नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान का और गंगा पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो इस दिन अगर आप गंगा नदी जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पे ही गंगा जल बना के उससे स्वयं भी स्नान कीजिए और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी स्नान कराइए। गंगा स्नान के पश्चात इस दिन गंगा दशहरा स्तोत्र के पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान के पश्चात गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आज मैं आप लोगों को सीधे पुस्तक से गंगा दशहरा स्तोत्र को संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़ के सुना रही हूँ। आपको जिसमें भी सुविधा हो उस भाषा में इसको आप पढ़िए, सुनिए और इस स्तोत्र का पाठ गंगा दशहरा के दिन जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी गंगा दशहरा के दिन गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ कर सके और माँ गंगा के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सके और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी भी कठिनाई हो रही है तो इस स्तोत्र का पाठ आप हिंदी में भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने पापों का नाश कर सके। तो आइए हम और आप मिलकर गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ करते हैं। गंगा दशहरा स्तोत्रम। ओम नमः शिवाय गंगाये शिवदाये नमो नमः। नमस्ते विष्णु रूपणये ब्रह्ममूर्ते नमोस्तुते। नमस्ते रुद्र रूपणये शांकर्ये ते नमो नमः। सर्वदेवस रूपणये नमो भेषज मूर्तये। सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक्षेष्ट्ये नमोस्तुते। स्थास्नुजंगम संभूत विषहंत्रये नमोस्तुते। संसार विषनाशिन्ये जीवनाये नमोस्तुते। तापत्रयते संहंत्रये प्राणेश्यते नमो नमः। शांति संतान कारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्तये। सर्वसंशुद्धि कारिण्ये नमः पापारिमूर्तये। भुक्ति मुक्ति प्रदायन्ये भद्रदाये नमो नमः। भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमोस्तुते। मंदाकिन्ये नमस्तेस्तु स्वर्गदाये नमो नमः। नमस्त्रैलोक्यभूषाये त्रिपथाये नमो नमः। नमस्त्रशुक्लसंस्थाये क्षमावत्ये नमो नमः। त्रिहुताशनसंस्थाये तेजोवत्ये नमो नमः। नन्दाये लिंगधारिण्ये सुधाधारात्मने नमः। नमस्ते विश्वमुख्याये रेवत्यैते नमो नमः। बृहत्यैते नमस्तेस्तु लोकधात्र्यै नमोस्तुते। नमस्ते विश्वमित्राये नन्दिन्यैते नमो नमः। पृथव्ये शिवामृताये च सुवृषाये नमो नमः। परापर सताढ्याये तारायैते नमो नमः। पाशजालनकिन्तन्ये अभिन्नाये नमोस्तुते। शांताये च वरिष्ठाये वरदाये नमो नमः। उग्राये सुखजगद्ध्ये च संजीवन्ये नमोस्तुते। ब्रह्मेष्ठाये ब्रह्मदाये दुरितज्ञये नमो नमः। प्रणतार्तिर्प्रभिञ्जन्ये जगन्मात्रे नमोस्तुते। सर्वापत प्रतिपक्षाये मंगलाये नमो नमः। शरणागत दीनारत परित्राण परायणे सर्वश्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। निर्लिपाये दुर्गहंत्रे दक्षाये ते नमो नमः। परापर पराये च गंगे निर्वाण दायिनी। गंगे ममाग्रतो भूया गंगे मे तिष्ठ पृष्ठतः। गंगे मे पार्श्वयोरिधि गंगे त्वयस्तु मे स्थितिः। आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वं त्वं गांगते शिवे। त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वं पुमान पर एव हि। गंगे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे। य इदं पठते स्तोत्रं शृणुयाक्षध्ययापि यः। दशधा मुच्यते पापैः काय वाक चित्त संभवैः। रोगस्थो रोगतो मुच्येद विपदभयश्च विपद्यतः। मुच्यते बंधनात् बद्धो भीतो भीते प्रमुच्यते। सर्वान् कामान् वाप्नोति प्रीत्य च त्रिविधं व्रजेत। दिव्यं विमानमारुह्य दिव्य स्त्री परिवीजितः।
गृहेपि लिखितं यस्य सदा तिष्ठति धारितं नाग्निचार भयं तस्य न सर्पादि भयं क्वचित्। ज्येष्ठे मासिसिते पक्षे दशमी हस्त संयुता संहरे त्रिविधं पापं बुधवारेण संयुता तस्यां दशम्याम् एतच्च स्तोत्रं गंगाजले स्थितः यः पठेत् दश कृतवस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः सो अपि तत् फलं वाप्नोति गंगां सम्पूज्य यत्नतः। इति श्री स्कंद महापुराणे काशीखंडे ईश्वर कथितं गंगा दशहरा स्तोत्रं संपूर्णम्। गंगा दशहरा स्तोत्र हिंदी में। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा जी को नमस्कार है। हे देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बार बार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन तीन विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान, आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। गाह्यपत्य, आह्वानीय और दक्षिणाग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहती नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। लोगों को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित, आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा, आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रणतजनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों के शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं, आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा को दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबके लिए परे हैं, मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। गंगे, आप मेरे आगे हों, गंगे आप मेरे पीछे रहें, गंगे आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हों तथा गंगे मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी कल्याणमय गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे, आपको नमस्कार है।
जो श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। रोगी रोग से तथा विपत्तिग्रस्त विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति भय से विमुक्त हो जाता है। वह इहलोक में सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है और मृत्यु के अनंतर दिव्यांगनाओं से सेवित होता हुआ दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिखकर रखा हुआ हो उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दसवीं तिथि का यदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है वह दरिद्र हो अथवा असमर्थ वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो यथोक्त विधि से यत्नपूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत काशी खंड में ईश्वर कथित गंगा दशहरा स्तोत्र संपूर्ण हुआ।